जो इख्तियार की उसके वजूहात हमारे जो चेयरमैन हैं जनाब सराद्दीन लोन साहब, उन्होंने बाज़ाबता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें तमाम वजूहात बताए उन्होंने कि हम प्रेस ऑल पार्टी मीट से दूर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि बहुत हो गया, लोगों को अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी सजाद साहब ने बोला, आई स्टैंड बाई दैट। मैं उसमें ना कोई एडिशन करना चाहता हूँ, ना मैं उसमें कोई डिलीशन करना चाहता हूँ। हाँ, ज़रूर ये कहूँगा कि शिवसेना का जो वहाँ आना था वो एक सवालिया निशान है दोनों पीडीपी और एनसी के लिए, कि जो बोलते हैं कि जनाब हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 370 और 35 ए की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये वही शिवसेना है जिन्होंने 370 और 35 ए की एब्रोगेशन के लिए सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी गई जम्मू यूनिट में भी और पूरे हिंदुस्तान में। और उनका ये मानना है, उनका ये मौकूफ है कि 5 अगस्त 2019 एक हिस्टोरिकल डे है उनके लिए। तो ये एक, मैं ये कहूंगा सरप्राइजिंग नहीं बल्कि अनफॉर्चुनेट है फॉर दीज पॉलिटिकल पार्टीज जिनका ये मानना है कि लोगों को और बेवकूफ बनाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि ये सिर्फ अपनी जो बका है उसको जिंदा रखने के लिए ये ड्रामा था और कुछ नहीं। इनका एक पार्टी का एक मौकूफ रहता है, इनकी जो पार्टी का मौकूफ है वो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पहले पीडीपी और एनसी ये क्लियर कर दें कि क्या ये इस आइडियोलॉजी के साथ है कि नहीं है। मेरी पार्टी का, हमारा मौकूफ ये है कि वी आर नॉट विद द आइडियोलॉजी ऑफ शिवसेना। जो शिवसेना की आइडियोलॉजी है, वी हैव आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद शिवसेना। मे बी एनसी और पीडीपी का आइडियोलॉजिकल उनके साथ मिलाप हो। मैं ये कहूँ कि उनका एक पुराना याराना है बाल्की मारा, जो शिवसेना के जम्मू यूनिट के हेड थे। 2002 की बात है जब हमारे बानी जनाब उदगिनी लोन साहब पे हमला हुआ था, यही बाल्की महाराज उसका उसकी लीड कर रहे थे और गवर्नमेंट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर फारूक साहब जो कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाल्की महाराज को सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी।